हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका करियर कोच ललित भदौरिया। फ्रेंड्स, गल्फ में सिक्योरिटी सेक्टर में बहुत ही अच्छा सैलरी पैकेज का अपॉर्चुनिटी आया है। अधिकतर सिक्योरिटी सेक्टर के जो एस्पिरेंट्स हैं वो हमसे ये सवाल पूछा करते थे कि क्या कभी भी 50,000 से ज़्यादा पैकेज नहीं मिलता है गल्फ में। सो फ्रेंड्स, ये आप लोगों के लिए, अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं और आप एक अच्छा पैकेज चाह रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें। फ्रेंड्स, दोहा जो कि कतर की कैपिटल है, वहाँ पर एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट के लिए सिक्योरिटी स्टाफ की ज़रूरत है। फिलहाल 3 मेन डेजिग्नेशंस के लिए सिक्योरिटी स्टाफ का रिक्रूटमेंट रहेगा, जिनमें से आपका सिक्योरिटी गार्ड है, सिक्योरिटी सुपरवाइजर्स हैं और पेट्रोलिंग सुपरवाइजर्स हैं। जो सैलरी पैकेज है सिक्योरिटी गार्ड का, वो लगभग 74,000 से लेके 1,20,000 तक है, राइट? और जो पेट्रोलिंग सुपरवाइजर्स और सिक्योरिटी सुपरवाइजर्स के लिए पैकेज है वो ऑलमोस्ट 1,50,000 तक है, राइट फ्रेंड्स? जो कि आपने इस तरह का पैकेज बहुत ही कम सुना होगा, क्योंकि अधिकतर दुबई में अगर आप देखें तो 44,000 के आसपास सैलरी मिलती है, और अबू धाबी में जो लोग PSBD में जाते हैं तो उनको अप्रॉक्स 54,000 तक पैकेज मिलता है। सो फ्रेंड्स, अब इसका क्राइटेरिया क्या है वो भी एक बार समझ लेते हैं। सिक्योरिटी गार्ड्स में जो हाइट का क्राइटेरिया है वो 5'7" है। एज जो है वो 25-26 तक रहे तो बेहतर है, क्योंकि 5-6 ईयर्स इंडिया का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए सिक्योरिटी गार्ड के लिए भी। मेल फीमेल दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। और जो सिक्योरिटी सुपरवाइजर है और जो पेट्रोलिंग सुपरवाइजर्स है, इसमें मिनिमम 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। सो फ्रेंड्स, आपने करना क्या है, आपका जो भी वर्क एक्सपीरियंस है अपना बायोडाटा में अपडेट करके, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को अटैच करके, अपना अपडेटेड पासपोर्ट का स्कैन कॉपी, अपना लेटेस्ट फोटोग्राफ, ये सब हमें एक ईमेल में अटैच करके भेज दें। मेल आईडी मैं आपको बता रहा हूँ, resume@contramentors.com। अब इसका प्रोसेस सिलेक्शन का क्या रहेगा, सबसे पहले आप डॉक्यूमेंट्स हमें भेजेंगे। देखिए, सैलरी अच्छा है तो नेचुरली सिलेक्शन भी थोड़ा सा टफ रहेगा, ओके? तो फ्रेंड्स, ट्राई करें आप जरूर एक बार, अपने डॉक्यूमेंट्स हमें भेजें और हम उसको क्लाइंट को फॉरवर्ड करेंगे, जितने भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे। सो फ्रेंड्स, सेकेंड स्टेप में जब शॉर्टलिस्टिंग हो जाएगा तो या तो स्काइप पर या फिर कुछ स्मॉल ग्रुप्स में इंटरव्यूज कंडक्ट किए जाएंगे, कीपिंग इन माइंड जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए, और उसके बाद में प्रोसीड किया जाएगा। नेचुरली जैसे कि हमेशा होता है, फिर आपका मेडिकल होता है, देन वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, और वीज़ा आने के बाद आप लोग फ्लाई कर जाते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको ब्रीफली कतर के बारे में बता देता हूँ। पर कैपिटा इनकम के हिसाब से कतर वर्ल्ड का रिचेस्ट कंट्री है। कतरी रियाल धर्म के बराबर ही रहता है। आज की तारीख में जो कतरी रियाल का प्राइस है वो लगभग 20.51 रुपए है इंडियन करेंसी में। सो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपको क्राइटेरिया के बारे में बता देता हूँ। देखिए, जो हाइट का क्राइटेरिया है वो मेल्स के लिए 5'7" है और फीमेल्स के लिए 5'4". और जो एज का क्राइटेरिया है वो भी आप एक बार ध्यान से सुन लें। मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए अगर आप सिक्योरिटी गार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो कम से कम 24 या 25 ईयर्स की एज हो। मैक्सिमम जो क्राइटेरिया है दैट इज 45 ईयर्स एज। और सिक्योरिटी सुपरवाइजर और पेट्रोलिंग सुपरवाइजर के लिए जो मिनिमम एज का क्राइटेरिया है वो 32 ईयर्स है, और मैक्सिमम एज लिमिट इसमें 55 है। तो 55 होने से क्या रहेगा, जो एक्स सर्विसमैन है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, टाइम वेस्ट ना करें, जल्दी से अपना डॉक्यूमेंट्स हमें भेजें, जिससे कि हम लोग शॉर्टलिस्टिंग प्रोसेस को स्टार्ट कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ से सब्सक्राइब जरूर कर लें। फेसबुक पर हमारा ऑफिशियल पेज है www.facebook.com/contramentors, उसको भी जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। मेरे जो अगले दो वीडियोज़ हैं वो रोमानिया और ब्रुनेई को लेकर हैं, सो प्लीज़ उनको भी जरूर देखें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।